दिशा जी, क्योंकि मैंने पिछले कुछ टाइम से मैंने या तो अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं या फिर मैंने रिव्यूज किए हैं प्रोडक्ट के, तो मैंने स्टिचिंग वाला जो था वो काफी टाइम से आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। तो मुझसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही किया जा रहा था कि मैं स्टिचिंग वाले वीडियो क्यों कम अपलोड कर रही हूँ अब। तो गाइज उसका रीजन यही है कि स्टिचिंग करने की वजह से मुझे शोल्डर की साइड पे पेन रहना स्टार्ट हो गया था, जो ठीक नहीं हो रहा था काफी टाइम से। तो मैं मुझे लगा कि मुझे थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए स्टिचिंग वाले पार्ट से, ताकि मेरे जो शोल्डर है इसका पेन कुछ कम हो जाए। सो अब थोड़ा ठीक है, सो अगेन मैं रेडी हूँ आप लोगों के साथ एक स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो के साथ। सो जल्दी से मैं बताती हूँ कि किस तरीके से आप ये वाला लहंगा एंड लहंगा चोली बना सकते हो, एंड बहुत इजी है इसे बनाना। मैंने बहुत कोशिश की है कि इजी वे में आप लोगों को बताऊं, ताकि जो बिगिनर्स हैं वो भी इसे इजीली बना सकें। एंड थैंक यू सो मच, इससे पहले जो मैंने एक ब्लेजर वाली वीडियो अपलोड की थी उसे काफी ज्यादा मतलब पसंद किया है आप लोगों ने। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो उसे आप देख लीजिएगा। सो गाइज इससे पहले मैंने एक कियारा अडवाणी इंस्पायर्ड शर्ट ड्रेस बनाई थी, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो इस शर्ट ड्रेस को बनाना भी बहुत ईजी है, एंड 2.5 मीटर फैब्रिक में आप इस शर्ट को इजीली बना सकते हो। सो मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर इनकेस अगर आपने नहीं देखी है। एंड जल्दी से मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या फैब्रिक यूज किया है। तो मैंने 3 मीटर साड़ी फैब्रिक यूज किया है स्कर्ट के लिए, 3 मीटर मैंने लाइनिंग फैब्रिक यूज की है जिसे मैंने अपर और बॉटम दोनों पार्ट में यूज किया है, एंड मैंने 1/2 मीटर नेट वाला फैब्रिक है जिसपे एम्ब्रॉयडरी की हुई है वो परचेज किया था। सो या इतने से काम इससे काम चल जाएगा आपका, तो बस आपको इतनी ही चीज चाहिए। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लहंगा कट करेंगे, तो अज्यूम कीजिए ये फैब्रिक की लेंथ और ये फैब्रिक की विड्थ है। फैब्रिक को लेंथ वाइज 2 बार फोल्ड करेंगे ताकि फैब्रिक की 4 लेयर्स हो जाएं। ये फोल्डेड साइड, एंड यहाँ पर आपको एक ओपन एंड एक फोल्डेड साइड मिलेगी। यहाँ पे हम वेस्ट कट करेंगे, एंड वेस्ट से नीचे की तरफ लहंगे की लेंथ का मार्क लगाएंगे, और जितना लेंथ आपको चाहिए हो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग के लिए और इसे कट कर लेंगे। अब जो ये क्लोजिंग पार्ट है एक, इसे भी कट करेंगे। कट करने के बाद में आपको फुल सर्कल मिल जाएगा। तो चलिए अब फैब्रिक पर कट करते हैं। सो ये लाइनिंग फैब्रिक है, एंड मैंने इसे सेम पेपर की तरह ही 4 लेयर्स में फोल्ड कर लिया है। सो यहाँ पर ये ओपन और एक क्लोज पार्ट है, एंड ये फोल्डेड साइड है, एंड यहाँ पे हम वेस्ट कट करेंगे। तो ऊपर से नीचे की तरफ 5 इंचेस पे मार्क लगाएंगे, एंड देन सारे मार्क को मिलाते हुए राउंड शेप देंगे और इसे कट कर लेंगे। यहाँ से नीचे की तरफ 29 इंचेस पे मार्क लगाएंगे, इन मार्क को मिलाते हुए राउंड शेप देंगे। यहां तक लेने के बाद में जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास इनफ फैब्रिक नहीं है, सो इसे कट करने के बाद में हम इस वाले फैब्रिक को यहाँ पे लगा देंगे। सो स्ट्रेट वाली साइड को हम स्ट्रेट वाली साइड के साथ ही स्टिच करेंगे, पर उससे पहले इस क्लोज पार्ट को भी हम कट कर देंगे। सेम मैंने यहाँ पे भी 29 इंचेस पे मार्क लगा लिया है, एंड इसको भी कट कर लेंगे। सो यहाँ पे फैब्रिक की 4 लेयर्स हैं, उसे स्कर्ट के साथ स्टिच कर लेंगे। सो गाइस क्योंकि ये लाइनिंग फैब्रिक है, एंड इसकी जो विड्थ होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, बट मैंने जो साटिन फैब्रिक लिया है उसकी विड्थ सही थी, सो मुझे कोई भी जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। सो ये मेरा मेन फैब्रिक है, एंड इसमें आपको कोई भी जॉइंट नहीं दिख रहा होगा, एंड मैंने सेम लाइनिंग फैब्रिक की तरह ही कट कर लिया है। अब लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक को हमें स्टिच करना है। मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग फैब्रिक को रखेंगे और दोनों फैब्रिक के रोंग साइड ऊपर की तरफ होने चाहिए, एंड लाइनिंग फैब्रिक की लेंथ मैंने मेन फैब्रिक से अराउंड 10 इंचेस कम ली है। अब वेस्ट पार्ट को स्टिच करेंगे।
सेम दूसरी साइड भी रेडी कर लेंगे। इसे स्टिच करने के बाद में फ्रंट के ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे एंड दोनों फैब्रिक के राइट साइड अंदर की तरफ होने चाहिए एंड दोनों साइड्स को स्टिच कर लेंगे एंड दोनों बॉटम पार्ट को भी डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। साइड्स को स्टिच करने के बाद में साइड पर जिपर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले नेल से इस पार्ट को स्मूथ कर लें। अब ऊपर से 9 इंचेस पे मार्क लगाएंगे जहां तक हमें जिपर अटैच करनी है। अब जिपर लेंगे एंड इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेंगे। तो अब इसे इस वाली साइड के साथ एंड इसे इस वाली साइड के साथ स्टिच करना है। मैंने जिपर पर भी 9 इंच पे मार्क लगा दिया है ताकि स्टिच करते वक्त मुझे पता रहे। अब इसे स्टिच करेंगे और जो ये एक्स्ट्रा जिपर है इसे कट कर लेंगे। इसे स्टिच करने के बाद में जहां तक हमने जिपर लगाया है वहां तक स्टिचेस को हटा लेंगे। अब दुपट्टा बनाएंगे। सो एज्यूम कीजिए कि ये दुपट्टे की लेंथ एंड ये विड्थ है। सो इसे लेंथ में 2 बार फोल्ड करेंगे ताकि कट करना इजी हो जाए। सो जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो फ्रंट से दुपट्टा रेडी होने के बाद में लहंगे से अराउंड 2 इंच ही छोटा है। तो आपके लहंगे की जितनी भी टोटल लेंथ हो उसमें से 3 इंचेस लेस कर देंगे एंड यहाँ पे मार्क लगाएंगे क्योंकि 3 इंच की हम फ्रिल लगाएंगे। इसके नीचे के फैब्रिक पर 3.5 इंचेस पर मार्क लगाएंगे। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 पीस हो जाएंगे। अब इन तीनों को स्टिच करेंगे तो एक लॉन्ग पीस रेडी हो जाएगा। जो हम दुपट्टे के दोनों साइड्स पर और बॉटम पर लगाएंगे। सो गाइज मैंने दुपट्टे के लिए यहाँ पे 3.5 मीटर नेट फैब्रिक लिया है। दुपट्टे की टोटल लेंथ स्कर्ट से 2 इंचेस कम रखेंगे। सो मैंने 35 लिया है एंड इसके नीचे हम 3 इंच की रफिल लगाएंगे। अब रफिल को दुपट्टे के साथ स्टिच करेंगे। दोनों फैब्रिक के राइट साइड अंदर की तरफ होने चाहिए एंड थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम प्लीट्स डालेंगे और पिन लगाकर उसे सिक्योर कर लेंगे। एंड इसे स्टिच कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पे इसे स्टिच कर लिया है। अब इस वाले पार्ट को आपको सीधा करना है। एंड इसके ऊपर स्टिच करेंगे। अगर इसे स्टिच नहीं करेंगे तो ये बार बार इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। दुपट्टा रेडी होने के बाद में इसे लहंगे के साथ स्टिच करेंगे। तो दुपट्टे को फ्रंट साइड पर हाफ ने स्टिच करना है। यहां पर गैदर्स डालेंगे। एंड जिपर से 1 इंच पहले तक ही रुक जाएंगे एंड इसे सिर्फ लहंगे के फ्रंट पार्ट के साथ ही स्टिच करना है। इसके बाद बेल्ट के लिए मैंने 30 इंचेस लॉन्ग फैब्रिक पीस लिया है। फैब्रिक एक बार फोल्डेड है एंड इसकी विड्थ मैंने 4 इंचेस ली है एंड फैब्रिक के दोनों साइड्स पर मैंने 1/2 इंचेस पे मार्क लगा दिया है ताकि स्टिचिंग अच्छे से हो। अब इसे लहंगे के साथ स्टिच करेंगे। दोनों फैब्रिक के राइट साइड ऊपर की तरफ होंगे एंड इस साइड पर 2 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे एंड इसे स्टिच करेंगे। एंड इस साइड पर हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। अब इस पार्ट को एक बार रॉन्ग साइड पर 1/2 इंचेस तक फोल्ड करेंगे। अब बेल्ट को हाफ में फोल्ड करेंगे एंड साइड को स्टिच करेंगे। सेम दूसरी साइड पर भी इसे स्टिच कर लेंगे।
अब इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे। अब फैब्रिक को हाफ में फोल्ड करते हुए लहंगे के साथ स्टिच कर लेंगे। अब टॉप पार्ट कट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले बैक पार्ट कट करेंगे। तो फैब्रिक को एक बार फोल्ड करेंगे। मुझे टॉप की टोटल लेंथ 14 इंचेस चाहिए, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग पर्पस के लिए। मेजरमेंट के लिए आप टॉप, कुर्ती, शर्ट कुछ भी यूज कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे अपनी शर्ट स्टाइल कुर्ती का यूज कर रही हूँ। अगर इसका ट्यूटोरियल आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां से आप इसे देख सकते हो। सो क्योंकि हम बैक पार्ट का मार्क लगा रहे हैं, सो इसे एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि बैक पार्ट जो है वो हमारा ऊपर की तरफ आए। एंड इसे फोल्डेड साइड पर रख के शोल्डर, आर्म होल एंड फिटिंग का मार्क लगाएंगे। यहां से हम 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग पर्पस के लिए। सो नेक की लेंथ, बैक नेक की लेंथ मैं यहाँ पे 3 इंचेस ले रही हूं। ज्वाइन करते हुए राउंड शेप देंगे और इसे कट कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट कट करेंगे, तो सेम मैंने फैब्रिक को एक बार फोल्ड कर लिया है। इसके ऊपर हम अगेन कुर्ती को रखेंगे, बट इस बार फ्रंट साइड ऊपर की तरफ करेंगे एंड अगेन शोल्डर एंड आर्म होल पे मार्क लगाएंगे। एंड यहां पे 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग पर्पस के लिए। तो फ्रंट नेक की लेंथ मैं यहाँ पे 6.5 इंचेस ले रही हूँ एंड फ्रंट का जो नेक है वो मैं वी शेप बना रही हूँ एंड इसे कट कर लेंगे। तो जब आप इसे ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। सो ये लाइनिंग फैब्रिक है। सो यहाँ पे मैंने 1/2 मीटर नेट फैब्रिक यूज किया है, तो सेम इसे भी लाइनिंग फैब्रिक की तरह ही कट कर लेंगे। सो ये जो हमने अभी लहंगा कट किया था, तो उसमें से जो पार्ट रिमेनिंग था उसे लेंगे एंड उसको भी लाइनिंग फैब्रिक की तरह ही कट कर लेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि ये साटिन का फैब्रिक है तो ये काफ़ी हिलता है, तो इस पे स्टिच करना इजी नहीं हो रहा है था, तो मैंने जो लाइनिंग फैब्रिक थी उसको और साटिन फैब्रिक को स्टिच कर दिया है थ्रेड एंड नीडल से। एंड अब यहाँ पे मैंने जो नेट फैब्रिक था उसको भी कट कर लिया है। अब सबसे पहले नेट फैब्रिक रखेंगे, इसका राइट साइड ऊपर की तरफ होगा। अब इसके ऊपर हम ये वाला फैब्रिक रखेंगे एंड इसका भी राइट साइड ऊपर की तरफ ही होगा। जो फ्रंट पार्ट है उसे हाफ में फोल्ड करेंगे एंड नीचे से ऊपर की तरफ 2 इंचेस पे मार्क लगाएंगे एंड इसे इन पॉइंट के साथ राउंड शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे और इसे कट करेंगे। नेक एंड आर्म होल को स्टिच कर लेंगे। अब बॉटम पार्ट को भी स्टिच करेंगे। सेम इसी तरीके से बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। बैक पार्ट रेडी है और इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को भी राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे एंड दोनों के राइट साइड अंदर की तरफ होने चाहिए एंड शोल्डर को स्टिच कर लेंगे एंड दोनों साइड्स को भी स्टिच कर लेंगे। इसी के साथ हमारा ब्लाउज भी रेडी है। आई
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं एंड इसे भी अच्छी और अमेजिंग वीडियोस लेकर आ सकूं आप लोगों के लिए। एंड इसे शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड फ्यूचर में आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए। सो या आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।